तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट विच आर टेकन एट एक्सियम। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ए वाली दी गई, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। बी देखिए, बी पार्ट वाली जो स्टेटमेंट दी गई, इफ आर ए स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्मड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों स्टेटमेंट दी गई, या कह सकते हैं सिस्टम ऑफ एक्सियम्स दिया गया। यहाँ देखिए, इज दिस सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कंसिस्टेंट, तो आपसे पूछ रहा है क्या ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया, जो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स दिया गया, ये कंसिस्टेंट है, जस्टिफाई योर आंसर। तो अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो ए वाला दिया गया है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, पहले ये लेते हैं फर्स्ट वाला। तो देखिए, ए पार्ट का सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है, वी नो दैट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट इज अ थ्योरम, सो गिवन स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड नॉट एन एक्सियम। यानी ये जो फर्स्ट वाली आपको स्टेटमेंट दी गई है, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, होता क्या है देखिए यहाँ पे, टू लाइन, जब भी कोई टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एट अ पॉइंट, जब भी दो लाइन, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक एंगल बन रहा है, अगर मान लीजिए यह आपका 30 डिग्री, इसके सामने वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, ये एंगल आ जाएगा मान लीजिए 60 डिग्री, तो ये भी एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अगर ये एंगल 30 है तो इसके सामने वाला भी 30 होगा, अगर ये एंगल 60 है तो इसके सामने वाला भी 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट, तो इस तरह आमने सामने के जो एंगल बनते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जबकि स्टेटमेंट जो दी गई है फर्स्ट वाली, वहां पे क्या दिया गया है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ क्या दिया गया? नॉट इक्वल। यानी ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है आर नॉट इक्वल, ये कह रहा है क्या कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, जबकि होता क्या है, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में हमने आपको दिखाया है ना, और यहाँ पे कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल नॉट इक्वल, यानी ये फर्स्ट वाली यानी ए वाली जो स्टेटमेंट, ये क्या है? रॉन्ग है। तो हमने ये देखिए लिखा है सोल्यूशन में, वी नो दैट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखिए 30 30 60 60 होते हैं ना। फिर यहाँ पे इट इज, यहाँ पे देखिए इक्वल, इट इज अ थ्योरम, और ये क्या है? ये थ्योरम है, अपने क्लास 8th में यंगर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये है क्या, ये स्टेटमेंट है क्या? ये एक थ्योरम है, ना कि एक्सियम। एक्सियम और थ्योरम में आपको डिफरेंस पता होगा। एक्सियम क्या होती है? एक्सियम का मतलब अजम्पशन, एक्सियम का मतलब अजम्पशन, जिसको सेल्फ एविडेंट के थ्रू सही मान लिया गया हो, बिना किसी प्रूफ के सही मान लिया गया हो। और थ्योरम क्या होती है? थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है, थ्योरम को वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है एक्सियम और थ्योरम में। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, इट इज अ थ्योरम, ये जो है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, थ्योरम, ठीक है। फिर आगे देखिए, हमने लिख दिया इट इज अ थ्योरम, सो गिवन स्टेटमेंट ए यानी ये ए वाली जो स्टेटमेंट दी गई वो क्या है? इज फॉल्स। ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ कह रहा है देखिए, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, आगे कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे, यानी ये रॉन्ग है, इसलिए लिख दिया गया आगे स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, इसलिए फॉल्स लिख दिया गया एंड नॉट एन एक्सियम। और ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है क्या, वी नो दैट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वो सही स्टेटमेंट ये है आर इक्वल, लेकिन ये थ्योरम है, ये एक्सियम नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट में यहाँ क्लियर कर दिया गया एंड नॉट एन एक्सियम, इट इज अ थ्योरम, इट इज नॉट एन एक्सियम, ये थ्योरम है, ये एक्सियम नहीं है। चलिए फिर बी वाले पार्ट में आते हैं। बी पार्ट देखिए क्या दिया गया, इफ अरे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्मड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसको मिटा दें, यहां बताते हैं आपको। स्टेटमेंट बी कह रही है, इफ अरे स्टैंड ऑन अ लाइन, मान लीजिए कोई लाइन है, यहां पर देखिए कोई लाइन हमने बना ली, ये एक लाइन बना ली, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक रे जो है इस लाइन पे स्टैंड करती, कोई भी रे, कैसे भी, मान लीजिए एक रे आ गई, ठीक है,
आके स्टैंड करते इस लाइन पे, ठीक है, ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्मड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह जो एडजेसेंट एंगल्स बनेगा उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल ये होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल कहते हैं किसको है, जब भी किसी लाइन पे कोई एक रे स्टैंड करती है तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और ये क्या है एक रे है, ये पॉइंट क्या है वर्टेक्स और ये क्या है एक रे है। तो जहां पे दो एंगल्स में से एक एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, इसको हमने हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स की पहचान क्या होती है, जो दोनों एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स उनमें क्या होता है एक वर्टेक्स यानी ये पॉइंट और एक रे, ये पॉइंट और ये रे, ये पॉइंट और ये रे क्या होती है कॉमन होती है। देखिए ये जो एंगल बन रहा है उसमें भी ये पॉइंट और ये रे कॉमन है, इस वाले एंगल में भी ये पॉइंट और ये रे कॉमन है। तो इस तरह के जो एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो स्टेटमेंट का कहना है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है तो क्या होता है आगे, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्मड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह बने जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स ये है ये है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट क्या ये सही है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया बी वाले में, वी नो दैट इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्मड इज 180 डिग्री। जब भी किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करेगी तो इस तरह बने दो एंगल जिनको हम एडजेसेंट बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, उनका सम क्या होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है सही है। अब आगे हमने लिख दिया देखिए, इट इज एन एक्सियम, और है क्या ये एक एक्सियम है, ठीक है, ये एक एक्सियम है यानी ये कह सकते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये सही बात है। अब एक्सियम का आपको पता है ये कोई प्रूफ तो होता नहीं, एक्सियम क्या होती है सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट होती है, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, सो स्टेटमेंट बी यानी कि बी वाली जो स्टेटमेंट दी है वो क्या है इज ट्रू, यानी ये क्या है सही है। इस स्टेटमेंट जो बी वाली स्टेटमेंट है उसका कहना है कि किसी लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड करती है तो इस तरह जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, 180 डिग्री बनता है। अब यहाँ देखिए एंड एन एक्सियम, और ये क्या है एक्सियम है, यानी बी वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है और एक एक्सियम भी है, ठीक है। तो चलिए तो आपने देखा क्या यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो ए वाला स्टेटमेंट वो क्या है, ए वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए वाला स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। और उसका हमने सही फॉर्मेट लिखा है क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो वो क्या है वो थ्योरम है, वो एग्जाम नहीं, इसलिए देखिए ए वाले में लिख दिया गया ए वाले पार्ट में, यहाँ इट इज अ थ्योरम सो गिवन स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, ये एक थ्योरम है इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। और बी वाले में क्या है, बी वाला स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है सही है, लेकिन सही तो है लेकिन वो एग्जियम भी है, वो एक एग्जियम है, वो एक सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है। फिर चलिए यहाँ पे लिख दिया गया देखिए, दस इन गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट दिया गया यानी जो सिस्टम ऑफ एग्जियम दिया गया है ए वाला और बी वाला, उसमें क्या देखा आपने, फर्स्ट वाला क्या फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट वाला फॉल्स है गलत है, एंड सेकेंड इज ट्रू, और सेकेंड वाला यानी बी वाला पार्ट क्या है ट्रू है सही है। तो हमें मिला क्या, हमें कंक्लूजन क्या मिला, हमें कंक्लूजन मिला Hence, given system of axioms is not consistent. यानी कि जो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है क्यों, और कंसिस्टेंट कब होता, कंसिस्टेंट कब जब होता जब ये ए वाला और बी वाला दोनों क्या होते दोनों पार्ट सही होते, दोनों ट्रू हो जाते तो कंसिस्टेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो ए वाला पार्ट है वो फॉल्स है और सेकेंड वाला क्या है ट्रू है, यानी एक फॉल्स है एक ट्रू है, एक गलत है एक सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट को हम नॉट कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट कब होता जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, तब, यहाँ पर तो दोनों ट्रू है नहीं इसलिए नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है कर लीजिए।